किसी भी जबरदस्त आइडिया के लिए आपका जीनियस होना जरूरी नहीं है, और कभी कभी तो सचमुच काम कर जाने वाले आइडियाज असल में बहुत ही डम्ब या बेवकूफी भरे होते हैं। वो कहते हैं ना कि आइडिया कैसा भी हो बस काम करना चाहिए। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे डम्ब आइडियाज जो तमाम उम्मीदों के खिलाफ जाते हुए सचमुच काम कर गए। नंबर 20, कॉफी पॉट में हॉट डॉग। लगता है मानव सभ्यता की असल मंजिल यही थी। जी हाँ, किसी कॉफी पॉट में हॉट डॉग्स उबालने का जबरदस्त आइडिया। कॉफी पॉट के नीचे एक हीटिंग कॉइल लगी होती है और थोड़ी धीमी होने के बावजूद ये तरकीब कारगर साबित होती है। यानी आपके घर के सभी हीटिंग अप्लायंसेस खराब हो भी जाएं तो भी आप महज 30 मिनट में अपने लिए स्वादिष्ट हॉट डॉग तैयार कर सकते हैं। बस बाद में पॉट को अच्छे से साफ करना ना भूलें, क्योंकि कॉफी और हॉट डॉग भले ही बड़े स्वादिष्ट होते हैं पर दोनों के कम्बाइंड फ्लेवर को कोई भी आजमाना नहीं चाहता। नंबर 19, अनहेल्दी इलाज। बहुत से लोग मानते हैं कि फिट रहने के लिए चिकनाई का सेवन करना बहुत जरूरी है, पर आश्चर्यजनक रूप से ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते ऐसा करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक मामले में तो चीज, बटर और फैटी एसिड से भरपूर खुराक ने शायद एक लड़के को मरने से बचा लिया हो। असल में ये सब मानव शरीर में होने वाली कीटोसिस नाम की एक प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने पर हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जगह शरीर में जमा चर्बी की खपत शुरू कर देती है। कीटोजेनिक डाइट वजन कम करने का एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हो सकती है, पर एक 6 साल के लड़के ने जब इसे अपनाया तो उसका जीवन और भी जबरदस्त तरीके से बदल गया। इंग्लैंड केसरी में रहने वाली चार्ली स्मिथ को एक दिन में करीब 300 बार मिर्गी के दौरे आते थे, और तरह तरह की दवाइयां खाने के बाद भी उनके हालत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा था। चार्ली के पेरेंट्स अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, सो अपने डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने चार्ली को चीज, मेयोनीज, बटर और दूसरे चिकन पदार्थों से भरपूर खुराक देनी शुरू की। आपको जानकर हैरानी होगी, इसके बाद चार्ली को मिर्गी के दौरे पड़ने की शिकायत धीरे धीरे खत्म हो गई। हालांकि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि चिकना युक्त खुराक लेने से मिर्गी की शिकायत आखिर क्यों दूर हो जाती है। ऐसी खुराक लेने से हमारे मस्तिष्क को ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा नहीं मिल पाती, शायद इसीलिए दौरा पड़ने बंद हो जाते हैं। खैर, जो भी हो, ये आइडिया सचमुच काम करता है। पहली नजर में अजीब लगने के बावजूद इस डाइट ने मिर्गी से ग्रस्त लाखों लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी बिताने का एक दूसरा मौका दिया। नंबर 18, नूडल की माचिस। जब किसी मोटी मोमबत्ती की लौ जलते जलते मोम की गहराई में समा जाती है तो उसे फिर से जलाते वक्त अगर हमारी उंगलियां जल जाती हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस समस्या का एक दिलचस्प हल मिल गया है। बस एक सूखी स्पैगेटी नूडल लीजिए और उसके एक सिरे को सुलगा दीजिए। इस नूडल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसके कारण ये देर तक जलती है और एक गहरी से गहरी मोमबत्ती की भी लौ जला सकती है। वो कहते हैं ना, जुगाड़ के जरिए बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हल किया जा सकता है। नंबर 17, सरल उपाय। किसी बेतुकी गलती को सुधारने के लिए जुगाड़ भी अक्सर बेतुका ही करना पड़ता है। जैसे रेडिट यूजर रिचर्ड हाइन कॉर्टोस की समस्या को ले लीजिए, जिन्होंने न जाने कैसे अपने किराए के मकान की दीवार में एक सुराख बना दिया। रिचर्ड की पत्नी को लगा कि कहीं मकान मालिक उनके पति पे फाइन ना कर दे, सो उन्होंने इस नुकसान से बचने की ठानी। उनकी कला की डिग्री अब नहीं तो भला कब काम आती। उनकी पत्नी ने अपनी कलाकारी का हुनर दिखाते हुए कागज के एक टुकड़े को हूबहू दीवार जैसा लुक और फील दिया और उसे दीवार पर चिपका कर सुराख को छिपा दिया। मजे की बात तो ये है कि रिचर्ड के मकान मालिक को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी। मुझे तो इस घर में बसने वाले अगले किराएदार के बारे में सोचकर ही तरस आ रहा भाई। बेचारा दीवार पर फ्रेम लगाने के लिए कील ठोकने के लिए जैसे ही हथौड़ी मारेगा, पूरा का पूरा सुराख फिर से नजर आ जाएगा। नंबर 16, क्रिसमस हुआ आसान। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला हर शख्स जानता है कि किसी क्रिसमस ट्री को तैयार करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हर साल की इस मेहनत से बचने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। पूरे के पूरे सजे हुए पेड़ को प्लास्टिक में अच्छे से लपेट कर अगले साल के लिए रख दीजिए। इस तरह अगले क्रिसमस पर आपको पेड़ सजाने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप सीधे अपने त्योहार को एंजॉय करने में जुट सकते हैं। नंबर 15, नौसेना की सील। वैसे तो अमेरिका के पास तरह तरह की विकसित टेक्नोलॉजीज हैं, पर उनमें से एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बेहद सिंपल होने के बावजूद आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, हम समुद्री प्राणी सील की बात कर रहे हैं, जिसे लोग समुद्री कुत्ता भी कहते हैं। अमेरिकी नौसेना फिलहाल सील की मूंछ के बालों पर रिसर्च कर रही है, क्योंकि ये बाल इतने संवेदनशील होते हैं कि पानी में होने वाली मामूली से मामूली डिस्टर्बेंस को बहुत दूर से भांप लेते हैं।
इस शोध से प्राप्त होने वाली जानकारी को वे ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज विकसित करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं जो जरा सी भी ध्वनि उत्पन्न किए बगैर मीलों दूर से हो रही दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगा सकें। लेकिन समुद्री कुत्ता कहे जाने वाले इन प्राणियों को सेना फिर किसी एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं करती। पिछले दो दशकों में सील्स को एक खुफिया औजार के रूप में ट्रेन किया गया है जिसे समुद्र में स्थित विस्फोटक माइंस और दूसरे खतरों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। नौसेना द्वारा टीम की गई सील दुनिया भर में बंदरगाहों पर नजर रखते हैं और अपनी गोता लगाने की स्किल, संवेदनशीलता और पैनी निगाह की मदद से मामूली खतरे को भी भांप लेती हैं। इतना ही नहीं, ट्रेंड सील्स समुद्री माइंस और अनाधिकृत घुसपैठियों को हथकड़ी में जकड़कर उन्हें बड़े गुब्बारों में बांध देती हैं, जो उन्हें खींचकर सतह तक ले आते हैं। तो अगली बार किसी बड़े बंदरगाह के पास कोई गलत काम करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अंत में आप किसी सील के हत्थे जरूर चढ़ जाएंगे। नंबर 14, स्वेटर खरीदने के लिए विंटर रूम। क्या गर्म कपड़े खरीदते वक्त ट्रायल रूम में गर्मी की वजह से आपके पसीने छूट जाते हैं? तो समझिए, ये टी मैक्स बिलो जीरो विंटर सिमुलेटर बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। ये मशीन भले ही बेतुकी लगे, पर असल में ये एक बड़ा ही जीनियस कॉन्सेप्ट है। अपने हिसाब से तापमान सेट करके आप खुद के लिए एकदम सटीक गर्म कपड़े चुन सकते हैं। इस छोटे से केबिन में पावरफुल फ्रीजर और पंख लगे हुए हैं जो एकदम पहाड़ों की कपकपा देने वाली सर्दी जैसा माहौल पैदा करते हैं, ताकि आप वेकेशन पर जाने से पहले अपने लिए एकदम परफेक्ट गर्म कपड़ों का चुनाव कर सकें। नंबर 13, यूरिनल में पिंग टारगेट। रेडिट यूजर थर्डली ने बताया कि जब उनके ऑफिस का जमादार लोगों द्वारा यूरिनल में पेशाब के छींटे उड़ाने से तंग आ गया, तो उसके मन में एक आईडिया आया। उसने यूरिनल्स में लाल स्टिकर चिपका दिए। पर आखिर क्यों? क्योंकि उसे पता था जब लोग इस लाल स्टिकर पर निशाना लगाएंगे तो पेशाब के छींटे नहीं उड़ेंगे और यूरिनल ज्यादा गंदा नहीं होगा। असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका इस्तेमाल यूरिनल बनाने वाली कंपनीज भी करती हैं। वे अपना लोगो किसी ऐसी सटीक जगह लगाती हैं कि जब लोग पेशाब करते वक्त उस पर निशाना लगाएं तो उसके छींटे उड़कर यूरिनल से बाहर ना जाएं। इस एक छोटे से उपाय ने गंदे यूरिनल्स की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सफाई कर्मचारियों के जीवन को हमेशा के लिए आसान बना दिया। नंबर 12, फल का छिलका करो पल भर में साफ। एक बढ़िया औजार बोरिंग से बोरिंग काम को भी आसान बना सकता है, भले ही आपको अजीब लगे। पर किसी सेब को ड्रिल मशीन में फंसा कर पावर पीलर से सटाने पर सेब का छिलका पल भर में साफ हो जाता है। ये ट्रिक ना सिर्फ आपका समय बचाती है बल्कि एक बोरिंग काम को देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी बना देती है। हाँ, ये बात अलग है कि देखने वाले कुछ लोग आपको सनकी या सरफिरा जरूर समझ सकते हैं, पर हमें उससे क्या, अपना काम बनने से मतलब है कि नहीं। नंबर 11, स्लिंकी के आगे पस्त हुई गिलहरी। अगर अपने गार्डन में तरह तरह की चिड़ियाएं आप देखना चाहते हैं तो एक बर्ड फीडर या उनके खाने का जुगाड़ रख दीजिए, बस। लेकिन अक्सर देखा गया है कि चिड़ियों की जगह गिलहरियां ही उस खाने की दावत उड़ाने लगती हैं। किस्मत से हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो गिलहरियों को अपने बर्ड फीडर के पास भी नहीं फटकने देगा। बर्ड फीडर के खंभे से बस एक स्टिंकी लगा दीजिए। ऐसा करने से गिलहरी के लिए बर्ड फीडर तक चढ़ पाना नामुमकिन हो जाएगा। बेचारी चिड़ियों का खाना भी बचेगा और देखने वालों को एक गुदगुदाने वाला नजारा भी। नंबर 10, मील ऑन व्हील्स। कुछ लोगों के लिए टेबल पर खाना शायद बहुत ही बोरिंग सी चीज बन चुकी है, इसीलिए वे अपनी कार के पीछे बैठकर स्पॉइलर पे नाश्ता रखकर ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इन लोगों ने तो मील ऑन व्हील्स के चलन को एक नया मुकाम दे दिया भाई। लेकिन ये ट्राई करने से पहले कार जरूर बंद कर दीजिएगा और ब्रेक्स भी अच्छे से लॉक करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने बर्गर और कॉफी को टाटा बाय बाय कहना पड़े। नंबर 9, फोन कैमरा से गजब का जूम। ऐसा करने पर भले ही लोग आपको देखकर हंसें, पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने फोन के कैमरा के सामने एक दूरबीन लगाकर अच्छी खासी दूरी पर स्थित चीजों का भी शॉट ले सकते हैं? स्नैप जूम नाम की कंपनी तो इस आइडिया से ऑलरेडी पैसे बना रही है। जी हाँ, आप अपने फोन को सीधे कंपनी के दूरबीन में फिट कर सकते हैं। अगर आपको मैच देखने के लिए स्टेडियम में सीट ना मिले तो यह आइडिया फोटो खींचने के लिए परफेक्ट रहेगा। क्या आपको डर है कि सड़क उस पार खड़ी काली वैन से FBI वाले आप पर नजर रख सकते हैं? कोई बात नहीं, इस ट्रिक की मदद से आप अपना ये शक भी दूर कर सकते हैं। नंबर 8, जुर्म के रास्ते पे कुछ नहीं। सन 2007 में कैलिफोर्निया के रिचमंड में नेबरहुड सेफ्टी कार्यालय की स्थापना हुई, जिसका एक साधारण किंतु अजीबोगरीब मकसद था, लोगों को एक दूसरे की हत्या से रोकने के लिए पैसे देना। बताने की जरूरत नहीं है कि बिना सिर पैर सा लगने वाला ये आइडिया सचमुच काम कर गया। प्लान ये था कि जो लोग हिंसक गैंग्स के सदस्य बन सकते थे, उन्हें सोशल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, कैश हेल्प, नौकरी ढूंढने और जिंदगी में खुद अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करके हिंसा एवं अपराध के रास्ते पर ले जाने से रोका जाएगा।
इस स्कीम को चलाने वाले ज्यादातर लोग पहले खुद सजायाफ्ता कैदी हुआ करते थे और सबकी मेहनत से ये स्कीम बड़ी ही कारगर साबित हुई। ये स्कीम लागू किए जाने से पहले रिचमंड में होने वाली हत्याओं की दर या मर्डर रेट अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जो न्यूयॉर्क सिटी के मुकाबले पूरे 11 गुना ज्यादा थी। सन 2014 आते आते वहां के मर्डर रेट में 77% की भारी गिरावट आई, जो एकदम असंभव सी लगने वाली बात है। इस योजना की काबिले तारीफ सफलता ने दूसरे हिंसाग्रस्त शहरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने भी इस योजना को कई दूसरी जगहों पर लागू करना शुरू कर दिया। रास्ते से भटक चुके लोगों को कानून के दायरे में रहते हुए एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिताने का मौका देकर समाज में अच्छा खासा बदलाव लाया जा सकता है। आज दुनिया में असमानता और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण बहुत से लोगों के पास अपराध की दलदल में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल सा लगने वाला ये आइडिया सचमुच दुनिया को बेहतर बनाने का दम रखता है। नंबर 7, सीडी होल्डर बना बैगल होल्डर। अब सीडी का जमाना चला गया तो हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे घरों की दुछतिया और ड्रॉर्स में इधर उधर बिखरे पड़े असंख्य सीडी होल्डर्स को आखिर किस काम में लाया जाए। पर कौन जानता था कि समस्या का हल हमेशा से ठीक हमारी नाक के नीचे था, वो भी जबरदस्त स्वाद और नरम चीज से भरपूर। और मैं हम सबके चहेते बैगल्स की बात कर रहा हूँ। और ट्रैवल करते वक्त उन्हें अच्छे से पैक करके साथ ले जाने का इससे अच्छा उपाय तो और कुछ नहीं हो सकता। बैगल्स ने हमें न जाने कितनी खुशियां दी हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। नंबर 6, चोटी बांधकर दूर करो टकलापन। अपने झड़ते हुए बालों को दुनिया से छिपाने के लिए मर्द सदियों से नए नए तरह के उपाय और तरीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं जो पूरी तरह से कारगर हो। पिछले एक दो दशकों में मर्दों द्वारा चोटी बांधना नॉर्मल सी बात मानी जाने लगी, जिसकी मदद से झड़ते बालों वाले बहुत से लोग दुनिया की आंखों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। चोटी और बालों को कंघी से पीछे करके गंजे स्पॉट को पूरी तरह से छिपाया जा सकता है। मैं तो इस ट्रिक को बन ओवर कहूंगा भाई। वैसे तो ट्रिक बहुत ही कमाल की है, पर अफसोस जब आपके सिर पे सिर्फ 3-4 बाल ही बचेंगे, उस वक्त दुनिया की कोई भी ट्रिक आपका राज खुलने से बचा नहीं पाएगी। नंबर 5, आश्चर्यजनक इलाज। इससे पहले कि मैं कुछ भी बताना शुरू करूं, एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है। सिगरेट किसी तरह की दवा या किसी चीज का इलाज नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में दिखाए जाने वाले विज्ञापन कुछ भी कहें, पर हकीकत सिर्फ ये है कि धूम्रपान करने से बीमारी के सिवा कुछ हाथ नहीं लग सकता। 2000 के दशक की शुरुआत में शोधकर्ताओं ने पाया कि सिगरेट पीने से अल्सरेटिव कोलाइसिस नाम की बीमारी होने का खतरा और बीमारी होने पर उसका लक्षण कम हो जाता है। शायद इसका कारण हो सिगरेट पीने से आंतों की सूजन में कमी आना, पर अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, अल्सरेटिव कोलाइसिस की समस्या के लिए सिगरेट पीना इतना कारगर साबित हुआ कि एक स्टडी में भाग लेने वाले 20% लोगों को दूसरे किसी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये भी एक सत्य है कि सिगरेट पीने से क्रॉन्स डिजीजेस कहीं ज्यादा वाली पेट की एक दूसरी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। सो बेहतर रहेगा कि आप केवल अपने डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं का ही सेवन करें। और हाँ, अगर आपका डॉक्टर सिगरेट पीने की सलाह दे तो तत्काल किसी दूसरे डॉक्टर की तलाश में लग जाएं। नंबर 4, फोन चार्जिंग केबल के लिए कवच। अगर आपको इस बात से कोई परहेज नहीं कि आपकी फोन की चार्जर केबल प्लास्टिक की किसी सस्ते फूल की तरह नजर आए, तो उस पर कुछ कटी हुई केबल टाइज लगाकर अपने चार्जर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक के ये छोटे टुकड़े केबल को बार बार मुड़ने से बचाते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा लंबे समय तक चलती है। माना कि ऐसा करने से आपका चार्जर बड़ा ही बदसूरत लगेगा, पर कम से कम उसे आप ज्यादा दिनों तक यूज तो कर सकेंगे। नंबर 3, दारू क्या ना कर दे। सन 2012 की बात है, जब न्यूजीलैंड में एक आदमी पार्टी करते करते अचानक से अंधा हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने पाया कि उसने जो शराब पी थी वो उसके शरीर में मौजूद डायबिटीज की दवा से रिएक्ट कर गई थी, जिसके कारण उसे फॉर्मेल्डिहाइड पॉइजनिंग और अंधेपन का शिकार होना पड़ा। शराब की लत ने सचमुच इसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया भाई। शुक्र है इस समस्या का इलाज तो था, पर उसमें इथेनॉल की जरूरत पड़ती थी। इत्तेफाक से उस वक्त अस्पताल में इथेनॉल उपलब्ध नहीं था और यहीं से मामला और ज्यादा अजीब हो गया। सीनियर डॉक्टर के कहने पर जूनियर डॉक्टर दौड़कर पास के ठेके पर गया और इथेनॉल की जगह व्हिस्की की एक बोतल ले आया। 5 दिनों तक उस आदमी को एक ट्यूब की मदद से व्हिस्की दी जाती रही, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। है ना कमाल की बात, शराब ने उसकी आंखें छीनी और वापस भी शराब ने की। नंबर 2, सक्सेस की कुंजी। क्या कभी ऐसा हुआ कि इस तरह की शॉपिंग कार्ट को खोलने या अनलॉक करने के लिए आपके पास छोटे पैसे ना हो? कोई बात नहीं, उपाय मिल गया है। लगता है किसी ने गलती से अपनी चाबी कार्ट में लगा दी है और वो खुल भी गई। हाँ,
चाबी को वापस निकालना जरूर याद रखिएगा, नहीं तो शॉपिंग कार्ट को की रिंग की तरह यूज करना पड़ सकता है। नंबर एक, चूहों की बारिश। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित गुआम टापू को पिछले कई सालों से ब्राउन ट्री स्नेक नामक सांपों की एक आक्रामक प्रजाति की समस्या झेलनी पड़ रही है। टापू पे इन सांपों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहाँ की स्थानीय प्रजातियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और हालात इतने गंभीर हैं कि अमेरिकी कृषि विभाग को कई अनोखे उपाय लेकर मैदान में उतरना पड़ा। उनमें से एक उपाय तो ऐसा था मानो आसमान से सांपों की मौत बरस रही हो। उस योजना के तहत मरे हुए चूहों को सैकड़ों की तादाद में पैराशूट से बांधकर गिराया जाता था। नीचे आने पर ये चूहे पेड़ों की डालियों में फंस जाते थे जहां ज्यादातर सांप रहा करते थे। अब आता है कहानी का मेन पॉइंट। उन चूहों की लाश एसिटामिनोफेन से भरी हुई थी जो इंसानों के लिए तो पेन किलर का काम करती है, पर सांप उसे खाते ही कोमा में चले जाते हैं और अंत में दम तोड़ देते हैं। जैसे ही सांप इन जहरीले चूहों को खाते हैं उनकी मौत हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि बेहद अजीबोगरीब और मामूली सी नजर आने वाली ये ट्रिक कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रही और इसे आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बरसता होगा आसमान से पानी आपके यहाँ, गुआम में तो मरे हुए चूहे बरसते हैं। डम से दिखने वाले इन जबरदस्त आइडियाज में से किसने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? क्या आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है जो बेकार लगने के बावजूद काम कर गया हो, वो भी एकदम चकाचक? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।